सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और हम सब लोग मिल करके इस प्रोसेस को एंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम सब लोगों को बड़ी बड़ी अपडेट्स भी मिलने वाली हैं। आज हम बात करेंगे एस सर के द्वारा दिए गए एक बहुत ही स्पेशल अपडेट के बारे में, जो कि ओ मिल से जो है रिलेटेड है। अभी जो 13 तारीख को जो हमारा एक वेबिनार हुआ था, आपको पता है कॉर्पोरेट वेबिनार हुआ था, तो 13 अक्टूबर को तो उसमें ओ मिल के बारे में एस सर ने कुछ बातें पूरी तरीके से क्लियर कर दी हैं। तो उन सारी चीजों को हमें जानना, आप लोगों को अपडेट देना, ये हम सब लोगों की बहुत बड़ी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज हम ओ मिल के रिगार्डिंग बात करेंगे, क्योंकि एस सर ने कुछ फीचर्स के बारे में बताया था कि ये जो फीचर्स हैं ये हमारे ओ मिल के अंदर ऑलरेडी एड हो चुके हैं। जी हाँ, ऑलरेडी एड हो चुके हैं। उन्होंने क्या बताया है, ओ मेल इज राइट नाउ अबाउट एवब जीमेल इन वैल्यू, जीमेल की वैल्यू से भी बहुत ज्यादा एवब हो चुका है। जी हाँ, बहुत ज्यादा एवब होने वाला है। उसके बाद विलो फीचर्स आर डन, यानी कि डन का मतलब यही होता है कि जो काम पूरा हो चुका होता है तभी हम उसको डन करते हैं, यानी कि ये काम हमारा पूरा हो गया, इट्स डन ऑलरेडी, इट्स हैपेंड, यानी कि ये सब कुछ हो चुका है। इट मींस ओ मेल इज राइट नाउ अबाउट एवब जीमेल इन वैल्यू। अगर हम जीमेल की वैल्यू से अकॉर्डिंग देखें तो ये उससे भी ऊपर होने वाला है। और विलो फीचर्स आर डन, विलो फीचर्स यानी कि जो नीचे उन्होंने कुछ फीचर्स बताए हैं ये ऑलरेडी हमारे ओमेल के अंदर डन हो चुके हैं। पहला फीचर्स क्या है, टेक्स्ट टू ऑडियो टू रीड योर ईमेल। अगर आप ईमेल को रीड नहीं करना जानते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं है, तो उसमें एक बहुत अच्छा शानदार फीचर्स उन्होंने बताया है, टेक्स्ट टू ऑडियो। अपने टेक्स्ट को ऑडियो में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने कानों में लीड लगा करके आप उसे आसानी से सुन सकते हैं कि उस मेल में क्या लिखा हुआ है। योर एआई असिस्टेंट, हमारा उसके अंदर क्या है, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असिस्टेंट उसके अंदर हमारी हेल्प करने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट उसके अंदर डाला गया है। दूसरा जो उन्होंने बताया है फीचर, वो है इंस्टेंट फाइल कन्वर्टर। इंस्टेंट माने तुरंत, अगर आपको कोई फाइल कन्वर्ट करनी है तो आप फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं जेपीजी मोड में और पीडीएफ फाइल में, इस टाइप से जो भी कन्वर्ट करने का उसके अंदर ऑप्शन है वो हम फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद लॉक फोल्डर एंड मैपिंग फोल्डर, यानी कि हम अपने फोल्डर को लॉक लगा सकते हैं और अपने फोल्डर पे मैपिंग की भी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये फीचर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑलरेडी डन हो चुके हैं, और जो चीज डन हो चुकी है इसका मतलब वो हमारा कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो है रेडी हो चुका है। अगर इसके अलावा और भी कई फीचर्स रह गए होंगे जो कि डन नहीं हो पाए हैं तो इसका मतलब कुछ काम अधूरा है अभी। अगर यही सारे फीचर्स हैं जो डन हो चुके हैं तो इसका मतलब ओमेल इज ऑलरेडी रेडी। नेक्स्ट है, ओमेल विल बी द मेन ईमेल फॉर द प्रोसेस, ऑल प्रोसेस। ओमेल जो हमारा आने वाला है ना, इसके बाद ऑन पैसे के अंदर जितने भी काम होने वाले हैं, आपकी चाहे वो ओ कनेक्ट की सेटिंग हो, आई मीन ओ कनेक्ट को यूज करना हो, ओ चैट को यूज करना हो, आपके बैक ऑफिस को यूज करना हो, आपके ओवीएस को यूज करना हो, एक्सपायरी डेट, जितने भी हमारे प्रोडक्ट जो आने वाले हैं, टूल्स जो आने वाले हैं, उनको अगर हमें यूज करना पड़ेगा तो हमें ओ मेल की जरूरत यहां पे पड़ने वाली है। इसलिए उन्होंने सेसर ने बोला है कि ओ मेल विल बी द मैन ईमेल, ये हमारा एक मैन ईमेल होने वाला है फॉर ऑल प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस हम आने वाले टाइम में इस बिजनेस को करने में करने वाले हैं। जो भी हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, किसी भी अकाउंट को हम ओपन करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट को हम जो है ओपन करेंगे, या हम अपने लिंक के माध्यम से कोई भी चीज ऑन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमें मेल की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसमें ओ मेल ही काम आने वाला है। सो ओ मेल को सबसे पहले यहां पे रेडी किया जाना कंपनी की सबसे पहली प्रायोरिटी है। राइट नाउ ओ मेल इज अबव जीमेल लेबल, जीमेल लेबल से जो है ऊपर जा चुका है, और एंड इन टू वीक्स ओ मेल विल बी वेयर आई वॉन्ट टू वी विद द बेस्ट फीचर्स एवर। राइट नाउ ओ मेल इज अबव जीमेल लेबल एंड इन टू वीक्स जीमेल से ऊपर जा चुका है, और अगले 2 हफ्ते में क्या होने वाला है, ओ मेल विल बी द वेयर आई वॉन्ट टू वी विद द बेस्ट फीचर्स एवर, यानी कि अगले 2 हफ्ते में हम इस ओ मेल को वहां पर देखेंगे जहां पर हम इसको देखना चाहते हैं, जहां पर इसके बेस्ट फीचर्स हमको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद लिखा है ना, ओ मेल टेक्स्ट टू ऑडियो, टेक्स्ट से ऑडियो में विल बी रिटेन
फॉर द यूजर बाय एआई, यानी कि एआई के द्वारा आप टेक्स्ट टू ऑडियो में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड एआई एंड वॉइस टू टेक्स्ट, और वॉइस टू टेक्स्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई एक वॉइस मेल आया है आपका तो उसको आप टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट में आया है तो उसको आप वॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइल कन्वर्टर भी इसके अंदर है, लॉक एंड मैपिंग की भी सुविधा है, नो वन कैन गेट इट विदाउट क्रेडेंशियल्स, यानी कि इसमें आपका कोई भी व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना इसके अंदर घुस भी नहीं सकता। तो ये जो फीचर्स एस सर ने अपने वेबिनार के अंदर बताए थे ये पूरी तरीके से जो है रेडी हो चुके हैं, और रेडी होने का मतलब यही है कि मैक्सिमम हमारा ओ मेल जो है पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो ये जो फीचर्स एस सर ने जो बताए हैं ये बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं, और इसको आने में अब ज्यादा वक्त भी नहीं लगना है, और ये जो हमारा ओमेल है इसी के माध्यम से ही हमारी सारी प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। सपोज करो कि अगर आपका अभी आपके पास आ जाए ओ कनेक्ट, अभी आपके पास आ जाए क्या ओ चैट, ओ ट्रिम, ओ ट्रैकर, कोई भी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट आ जाए, तो आपको उसमें लॉग इन करने के लिए अपना एक ओ मेल की आपको जरूरत पड़ने वाली है, और ओ मेल अभी आया नहीं हमारे पास, तो फिर क्या होगा, ये सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट आने वाला है। इसलिए इस पर सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी जो है इस पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि हम सब लोग जितनी भी हमारी ईमेल आईडी है ना, उन सभी ईमेल आईडी को हम तो कहीं पर भी यूज करें ना करें, लेकिन हम ऑन पैसेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओ मेल को ही यूज करने वाले हैं। जो भी व्यक्ति इस ऑन पैसेप के अंदर आएगा, चाहे वो फाउंडर है, अभी आने वाले टाइम में रीसेलर, कस्टमर, जो भी है, वो ओ मेल को ही यूज करेंगे। तो ये सबसे पहली कंपनी की प्रायोरिटी है, जिससे कि कंपनी इसको जो है सबसे पहले हम सब लोगों को देने वाली है। तो ये फीचर्स जो एस ने बताए हैं ये पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं, हम सब लोगों के पास आने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। बस आप सब लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे, थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी काम खराब हो सकता है। आई होप आपको ये फीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे भी लगे होंगे, क्योंकि आपके अपने बैक ऑफिस के अंदर जो 13 तारीख को जो हमारी वेबिनार हुआ था उसके अंदर ये साफ साफ उसके अंदर लिखा हुआ है, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं, बिकॉज बैक ऑफिस के अंदर आने वाली अपडेट ही रियल अपडेट होती है, अपने मन से दी जाने वाली कोई भी अपडेट जो है रियल नहीं मानी जाती। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, विश यू वेरी वेल्थ, एंड वी आर इन इट टू विन इट।